Hello friends, welcome to Dipali's kitchen. Wish you all of you a happy and safe Diwali. आज दिवाली के अवसर में मैं आप लोगों के साथ कोकोनट बर्फी का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बर्फी तो हमने बहुत तरीके खाए हैं, मगर आज मैं आप लोगों के साथ कोकोनट बर्फी का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कोकोनट बर्फी का रेसिपी। कोकोनट बर्फी बनाने के लिए हमें ये सब इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं हाफ कोकोनट ली हूँ और थोड़ा सा ब्लेंड कर ली हूँ। आप चाहे तो ग्रेटेड भी कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर ब्लेंड कर ली हूँ। फिर हमें चाहिए घी, शुगर, कंडेंस मिल्क या मिठाई मेट का ले रही हूँ, इलायची पाउडर और कुछ कटे हुए आलमंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कोकोनट को फ्राई करने के लिए मैं पैन ली हूँ और पैन में 2 टीस्पून घी दे रही हूँ। घी को थोड़ा सा हम गर्म होने छोड़ते हैं। घी को चारों ओर अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं और देखिए घी हमारा धीरे धीरे गर्म होने लगा है। इसी टाइम पे मैं ये कोकोनट को दे देती हूँ। यहाँ पर मैं कोकोनट को ब्लेंड करके दे रही हूँ। आप चाहे तो कोकोनट को ग्रेटेड कर सकते हैं। घी के साथ हमें इसे थोड़ा सा फ्राई करना है, जैसे कि कोकोनट का कच्चापन चला जाए। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं घी के साथ। कोकोनट से वाटर अब्जर्व होने तक हमें इसे लो मीडियम फ्लेम में धीरे धीरे फ्राई करना है। कोकोनट को हमें थोड़ा सा ड्राई करना है, इसीलिए फ्लेम को लो में रख के इसे बार बार चलाते रहिए, नहीं तो नीचे लग सकता है और जल सकता है। देखिए कोकोनट हमारा धीरे धीरे ड्राई होने लगा है। इसी टाइम पे मैं 2 टीस्पून शुगर ऐड करूँगी। आप चाहे तो बर्फ़ी को पूरा मिल्क मेड में भी बना सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं, बस 2 टीस्पून शुगर दे रही हूँ और अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैं 4-5 इलायची को अच्छे से पाउडर कर ली हूँ, तो इलायची पाउडर भी अभी दे देते हैं। अभी मैं कोकोनट में कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। कंडेंस मिल्क की जगह आप मिल्क पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 5 टीस्पून करीब कंडेंस मिल्क दे रही हूँ। अगर आपको मेरे रेसिपीज़ अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अभी इसे। देखिए कोकोनट और कंडेंस मिल्क मिक्स होकर कैसे हलवा की तरह कंसिस्टेंसी बन रहा है। हमें इसी टाइप की कंसिस्टेंसी चाहिए बर्फ़ी जमाने के लिए। और थोड़ा सा इसे कुक करते हैं लो फ्लेम में 10 मिनट के लिए। देखिए कोकोनट का कंसिस्टेंसी कैसा बना है। इसी टाइप का रखिए बर्फी बनाने के लिए। अभी गैस को ऑफ कर लेते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं जमाने के लिए। देखिए कोकोनट के मिक्सचर को मैं इसी प्लेट में निकाल दी हूँ और इसी प्लेट में मैं थोड़ा सा घी भी लगाई हूँ, ताकि हमारा बर्फी अच्छे से सेट होकर निकल जाए। घी ज़रूर लगाइए और अच्छे से आपका जैसे भी मनपसंद हो उसी टाइप का शेप दे दीजिए। थोड़ा सा इसे ठंडा होने छोड़ते हैं, उसके बाद हम इसे कट करेंगे। देखिए यहाँ पर बर्फी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। 1 आवर के लिए यहाँ पर मैं बर्फ़ी को सेट होने छोड़ दी थी और बर्फ़ी भी हमारा ठंडा हो गया है। अभी बर्फ़ी को कट कर लेते हैं। आपको किसी भी शेप पे पसंद है तो आप कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्यूब शेप में कट कर रही हूँ। देखिए कैसे कट कर रही हूँ। देखिए मैं सारे बर्फी को कट कर ली हूँ और इसके ऊपर कुछ कटे हुए आलमंड्स दे रही हूँ। आलमंड्स देके थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप दे सकते हैं, पिस्ता या काजू भी दे सकते हैं। देखिए हमारा बर्फी कैसे बना है, अच्छे से जम गया है। पहले भी मेरे चैनल में ब्रेड बर्फी का रेसिपी है, आप ऊपर दिए गए आई बटन में क्लिक करके रेसिपी चेक कर सकते हैं। देखिए कोकोनट बर्फी बनके तैयार है। देख सकते हैं कितना अच्छा सा शेप आया है हमारे बर्फी का।
ये खाने में टेस्टी लगता है, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरा रेसिपीज़ अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ मेरे रेसिपीज़ को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।